आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेम स्टडी में। सीयूटी एग्जाम 2023 में पांच गलतियों को लगातार स्टूडेंट कर रहे हैं, जिस कारण से उनका क्वेश्चन पेपर सबमिट ही नहीं हो रहा है। जी हाँ, अगर इन पांच गलतियों को आप भी करते हो तो आपका भी सबमिट कभी नहीं होगा। और ये गलती तकरीबन 90% स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है? देखिए, एग्जाम की तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हो, यूट्यूब से कहीं से भी, या फिर आप किताब पढ़ के कर सकते हो कोई भी सब्जेक्ट का। लेकिन आपको सिस्टम में एग्जाम देना होता है। सिस्टम में किस तरीके से एग्जाम दिया जाता है, कैसी प्रक्रिया होती है वहां पर, वो सारा डिटेल से आपको जानना होगा। प्रक्रिया तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कॉमन पांच गलती आपको नहीं करना है वहां पर एग्जाम सेंटर में, नहीं तो आपका क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा। इन सभी गलतियों के बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, जी हाँ पूरा देखिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि आपका अगर एग्जाम अभी तक से नहीं हुआ है, आप इस गलतियों को एग्जाम सेंटर में नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहली जो गलती है वो कॉमन गलती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते। जब भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो देता हूं, आप प्लीज उस वीडियो को पूरा तो देखिए। अगर एक इन्फॉर्मेशन आपका अगर छूट जाता है तो एग्जाम सेंटर में उसका सारा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या गलती कर रहे हैं, जैसे उनका सिस्टम में क्वेश्चन पेपर दिखने लगता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है एग्जाम, उनको लगता है कि यहां पर टाइमर उमर कुछ नहीं है, उनका टाइमर नहीं चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं, उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। अगर जनरल टेस्ट का अगर पेपर है, ठीक है, तो यहां पर लिखाएगा 60 मिनट प्रीवियस टाइमिंग काउंट होगा। प्रीवियस टाइमिंग कहने का मतलब है 60 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 59 मिनट, उसके बाद 58 मिनट, इस तरीके से पूरा 0 मिनट तक आपका खत्म हो जाएगा जनरल टेस्ट वाला, यानी आपका टाइमर वहां चल रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप वहां पर जरूर देखिएगा, आपका समय कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लैंग्वेज पेपर में, ठीक है, लैंग्वेज पेपर में क्या होता है, आपका 45 मिनट्स टाइम रहता है, यहां पर आपका शो करेगा टाइम, इसका भी टाइम यहां पर शो करेगा। ठीक है, आपको 45 मिनट के अंदर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने हैं, यानी 50 में से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट टाइम को देखते नहीं और उन्हें लगता है कि टाइमर कुछ भी नहीं चल रहा है, जिस कारण से वो 45 मिनट अचानक खत्म हो जाता है और 10-20 क्वेश्चन ही वो अटेम्प्ट करते हैं 40 के जगह पर। तो इस बात को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा वहां सिस्टम में, ठीक है, और डोमेन पेपर में भी आपका 45 मिनट रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करके आते हो 5 नंबर मिलेगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत करके आते हो तो -1 नंबर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरीके से मार्किंग पद्धति है। अब चलिए उन चार गलतियों के बारे में जानते हैं। अगर इन चार गलतियों के बारे में आपको अगर जानकारी नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन पेपर ही सबमिट नहीं होगा। जी हाँ, कोई फायदा नहीं है एग्जाम देने का। तो चलिए पूरे डिटेल से मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एग्जाम दे के इस मोबाइल में। इस प्रकार से आपका एग्जाम हॉल में, एग्जाम सेंटर में, कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में इंटरफेस रहेगा। इस तरफ यानी दाहिने तरफ आपका सारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पर ये इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है तो यहां पर टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, और इधर आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और यहां पर आपका टाइमिंग भी चलता रहेगा, देख लीजिएगा ध्यान से, आप टाइमर को भी देखिएगा, और यहां पर आपका प्रोफाइल भी रहेगा, उस फोटो पर आप क्लिक कीजिएगा, आपका फोटो में आपका नाम वगैरह सारा कुछ वहां पर लिखा हुआ दिखेगा। आप एक बार क्लिक करके देख लीजिएगा क्या आपका ही वहां पर नाम शो हो रहा है या फिर किसी और का हो रहा है। सीयूटी एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सारा कुछ देख लेना है। अब यहां पर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, सारा कुछ पढ़ लिया, ऑप्शन भी आपने देख लिया कि चलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है, तो बी आपने क्लिक कर दिया, आपको लगा कि बी एकदम 100% सही है। क्लिक करने के बाद यहां पर ये जो चार बटन है ना, इस बटन को ध्यान से समझना है, सारा खेल इसी का है। अगर आप इसको समझ जाते हो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर क्या करना है आपको, अगर आपको लगे कि 100% हाँ ये सही है मेरा क्वेश्चन, तो आपको इस वाला बटन पर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन का कलर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन का आपने जवाब दे दिया है, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा, ठीक है, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर सही नहीं होगा, गलत होगा, तो फिर -1 मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि दूसरा बटन ये क्लियर और रिस्पॉन्स वाला क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको ध्यान से देखना है। आपको क्या करना है, दूसरा वाला क्वेश्चन पर जाना है। दूसरा वाला क्वेश्चन में जाने के बाद आप डिटेल से उस क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको लगेगा ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन सी भी सही लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑप्शन बी को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ जाओगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में। लेकिन फिर आपको लगेगा कि नहीं, जो मैंने क्वेश्चन नंबर दूसरा में बी क्लिक किया है ये तो मेरा गलत है, वहां पर सी सही होना था। तो फिर आप क्या करोगे, तुरंत आप पीछे क्वेश्चन दूसरे में जाओगे। जब दूसरा वाला क्वेश्चन में जाओगे, आप इस ऑप्शन को रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, ये मेरा क्लिक नहीं होना चाहिए। अगर आपने सेव भी कर दिया है गलती से, तो आप इसको अगर हटाना चाहते हो तो कौन वाला बटन क्लिक करना होगा,
क्लियर रिस्पॉन्स वाला, ठीक है, इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑप्शन भी हट चुका है, आपने अभी साफ देखा। इस तरीके से आप ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और आपको लगेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दूंगा, मुझे इसका उत्तर ही नहीं आता है, तो आपने जो ऑप्शन को क्लिक किया है उसको हटाकर, यानी इस बटन से हटाकर आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, इस वाले बटन को नहीं क्लिक कीजिएगा, इसमें आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। देख लीजिए, मैं यहां पर साफ क्लिक करता हूं लेकिन यहां पर आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि यहां पर क्या लिखा आ रहा है, प्लीज सेलेक्ट आंसर, यानी जब तक मैं आंसर को सिलेक्ट नहीं करूंगा इससे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसके बारे में आपने जाना कि आप सेव कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो अगर आपको लगेगा कि जो भी क्वेश्चन सही है। इसके बारे में आपने जाना कि हाँ, ऑप्शन को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आप जब तक ऑप्शन को क्लिक नहीं करोगे तब तक आप इसमें नहीं क्लिक कर पाओगे, ठीक है। तो बिना ऑप्शन क्लिक किए आगे कैसे बढ़ेंगे, तो ये वाला बटन से आपको आगे बढ़ना होगा। और ये वाला बटन, जब आप कोई भी ऑप्शन नहीं चाहते हो क्लिक करने के लिए, तो ये वाला बटन आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए यहां पर आगे बढ़ जाओगे, और यहां पर देखिए क्या कलर आ गया, बैगनी कलर का कलर आ गया। इसका मतलब साफ साफ यहां पर लिखा है कि मार्क फॉर रिव्यू, यानी बाद में इस क्वेश्चन को देख सकते हो। जैसे यहां पर आपका दो चार क्वेश्चन में इसी कलर का आ जाएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। जब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, तो आप उस क्वेश्चन पर क्लिक कीजिएगा, देखिएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन लगता है सही होगा, उसको मार दीजिएगा। इस पर भी क्लिक कीजिएगा, इस पर भी क्लिक कीजिएगा, तो इस कलर का दिखेगा तब ना कीजिएगा ना, इसीलिए इस कलर का दिखता है, ठीक है। क्या इसका आपको मिलेगा वहां पर नंबर, जी नहीं, इसका नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये ग्रीन वाले का मार्क्स मिलेगा अगर क्वेश्चन सही होगा, लेकिन ये बैगनी वाले का नहीं मिलेगा। अब समझते हैं हम लोग ये वाला बटन है क्या, ठीक है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्योंकि हमने ये बटन जाना और ये भी बटन जान चुके हैं। तो इस बटन को क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको अगर लगेगा कि नहीं यार इसका सी सही होगा, नहीं भी होगा, तो आप सी पर क्लिक कीजिएगा। आपको लगेगा कि नहीं टाइम मिलेगा तो इसको चेंज करेगा, नहीं मिलेगा तो ये सबमिट हो जाना चाहिए आंसर के लिए, यानी ग्रीन हो जाना चाहिए सबमिट के टाइम, जी हाँ। तो उस समय आप इस बटन को क्लिक कर देना है, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू वाला बटन को क्लिक कर देना। देखिए यहां पर मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद किस प्रकार से यहां पर कलर हो चुका है, बैगनी कलर के अंदर में ग्रीन कलर छोटा सा दिख रहा है। इसका मतलब है अगर आप बाद में चाहो इसको सुधार सकते हो, अगर आपका टाइम खत्म हो जाएगा नहीं सुधार पाओगे तो इस तरीके से कलर हो जाएगा, यानी इसका भी आपको सही मार्क्स मिलेगा अगर क्वेश्चन सही होगा तब, ठीक है। याद रखिएगा, इसका और इसका दोनों का मार्क्स आपको मिलेगा लेकिन इसका नहीं मिलेगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं, ये जो आखिरी वाला रेड कलर है और ये जो व्हाइट कलर है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए व्हाइट कलर का मतलब होता है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं पाए। 50 क्वेश्चन में आपने 44 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया, आपका समय खत्म हो गया, 45 का क्वेश्चन नहीं गए, 46 का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, 47, 48, 49, 50, इस क्वेश्चन पर आप जा ही नहीं सके, तो इसका मतलब ये इस कलर का हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का, तो ये होता है। तो आप इसमें गए ही नहीं तो इसका मार्क्स कहां से मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिए हो इस कलर का अगर आ जाता है, ठीक है। तो मेन यहां पर समझना था ये चार वाला पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट था। तो याद रखिएगा, आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन 100% क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं क्लिक करते हो तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और ये वाला बटन भी आप क्लिक कर सकते हो क्योंकि रिव्यू के लिए, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो इस बटन को, अगर आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है तो इस बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। पांच गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम सेंटर में, जो मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो दो बार देखिए, तीन बार देखिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस एप्लीकेशन में जाकर मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत सारा मॉक टेस्ट है, उससे आपका टाइमिंग का जो प्रैक्टिस है ना वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक दो दिन में आप पूरे किताब को नहीं पढ़ सकते हो, आप मॉक टेस्ट ही दे सकते हो। आई होप कि आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप मेरे साथ सीयूटी एग्जाम और सीयूटी एग्जाम के बाद कॉलेज में एडमिशन तक ही रहोगे मेरे साथ इस चैनल में। इसके बाद फिर हम 12वीं न्यू यानी 2024 वाले सेशन का हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे। तो फिर आपको अगर मेरे साथ आगे भी रहना है तो मेरा न्यू चैनल है जीएम स्टडी 2.0, आप उस चैनल में जाइए, वहां पर विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद वहां पर आप उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। वहां पर मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जी हाँ, सरकारी नौकरी से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो, कैसे आपको तैयारी करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, 100% आपको कैसे देना है, ताकि आप 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में 100% आप क्रैक कर सको एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।